ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चले क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट एन हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। बुक दो एक उनको। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवेल। मतलब फाइनल क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा गया है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से चेंज होके कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। चले इसका डायग्राम बनाए। क्या बोला है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। एक बलून है कितने ऊपर उड़ रहा है, टोटल हाइट है बलून की 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन इस गर्ल की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है पहले, चलें इसको ये है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर ये बोला गया है कि कुछ टाइम बाद वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आंख से बलून का तक का वो चेंज होके कितना हो जा रहा है 30 डिग्री। तो आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो फाइंड आउट करना है। तो चले हम कैसे करेंगे, ये ए दिस पॉइंट बी, इसको सी माने डी और ये ई। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सी डी की हाइट क्या होगी, सी डी की हाइट होगी 88.2 नहीं होगी, उसको हमें 1.2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हम इस पॉइंट से ले रहे हैं इसलिए ये वाला पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, ये ग्राउंड तक का 1.2 ये और ये बीइंग सेम। तो फाइन जो हाइट आ जाएगी जो हमारे काम की है वो है 87.0 मीटर, ठीक है। अगर डायग्राम से बात करें तो हमें फाइनल क्या निकालना है, बीसी की वैल्यू निकालनी है, बीसी या ईडी की वैल्यू। तो ईडी या निकाल लो या बीसी निकाल लो, सेम ही आने वाली है। तो सबसे पहले हम निकाल लें इन ट्राइंगल ए बी ई की हेल्प से ए बी की वैल्यू निकाल लें और बाद में ट्राइंगल ए डी सी की मदद से ए सी की वैल्यू निकाल लें। फाइनल क्या करेंगे हम, ए सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो वैसी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। चले कैसे करना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई क्या मिलेगा हमें रिलेशन, 1060 इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू सेम होगी, बी की वैल्यू है 87 मीटर, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1060 इज रूट थ्री। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 87 अपॉन रूट थ्री मीटर्स। अभी इसको हम रैशनलाइजेशन नहीं कर रहे, जब फाइनल आंसर आएगा उसमें करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी 1030 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। सी डी की वैल्यू 87, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1030 वन बाय रूट थ्री। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी 87 रूट थ्री मीटर। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन निकला ये, है ना। हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बी सी क्या होगा, बी सी होगा ए सी माइनस ए बी, बी सी ए सी माइनस ए बी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 87 रूट थ्री माइनस ए बी की वैल्यू 87 अपॉन रूट थ्री। एलसीएम लें कितना आ गया रूट थ्री, ठीक है। तो 87 इंटू थ्री करेंगे माइनस माइनस 87। तो चलें सिंप्लीफाई कर लें, 87 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। समझ में आया, चलें
तो 87 इंटू टू अपॉन रूट थ्री, 87 कितना हो गया 14, 174 अपॉन रूट थ्री। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन मतलब रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन भी और रूट थ्री का डिवीजन भी, तो ये हो गया 174 रूट थ्री अपॉन थ्री, तो थ्री से डिवाइड करें, 3 5 15 और 3 8 24, 58 रूट थ्री मीटर्स। और अगर आपको और फाइनल आंसर चाहिए तो रूट थ्री की वैल्यूज रख ले, रूट थ्री की वैल्यू कितनी है 1.732, ये रखें तो जो आंसर आएगा वो आपका एक और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, विदाउट ओके। तो एक्सरसाइज बोले तो हमारी खत्म।